मैम पंजाब सरकार ने आपको नोटिस जारी किया है भी या तो ज्वाइन कर लो नहीं आप पर कार्रवाई होगी। जो कार्रवाई उन्होंने करनी है वो कर सकते हैं, ज्वाइन मैं नहीं करने वाली, ना ही मेरा ज्वाइन करना बनता है क्योंकि मैं रिटायर हो चुकी हूँ, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया है। अब कार्रवाई उनको जो लगती है वो कर सकते हैं, बाकी जो मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ उस पर इन बातों का कोई असर नहीं है। मैं अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करूँगी और इलेक्शन लड़ूंगी, जो कार्रवाई उनको करनी है वो अलग से करते रहें, जो उनकी मर्जी है वो करते रहें। मैम उन्होंने कहा भी पंजाब कैडर के हैं जो पंजाब सरकार से पहले मंजूरी लेनी थी और जो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हैं वो आपके मेल नहीं खा रहे। क्या मेल नहीं खा रहा? क्योंकि आपने बोला था मेरी माता बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए सेवा के लिए, लेकिन आपका कहते हैं मैंने सेवा नहीं लिखी, मैंने ये लिखा मैंने उनके साथ जाके रहना है, वो बठिंडा में रहते हैं, मैं बठिंडा में रहने उनके साथ आ गई हूँ। साथ में मैंने ये भी लिखा है कि मेरे जिंदगी में दूसरे प्लान्स हैं, ये भी साथ एक लाइन लिखी है। तो अब मैं उस प्लान के अनुसार अपनी इलेक्शन लड़ रही हूँ। वैसे भी रिटायर्ड बंदा कुछ करे कुछ ना करे उसका सरकार से कोई मतलब नहीं होता। सरकार ऐसे सारी उम्र मैं कोई सरकार की गुलाम नहीं हूँ, मैं कल को अमेरिका भी जा सकती हूँ तो सरकार मुझे रोकेगी कि आप वहाँ क्यों चले गए। जब मैं रिटायर ही हो चुकी हूँ तो सरकार का मेरे साथ मतलब क्या है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं पहले रेजिग्नेशन को लेकर विवाद हुआ और अब इस बार दोबारा एक बार नोटिस विवाद तो होते रहेंगे। हाँ? मेरे साथ हुआ फिर किसी और के साथ हो जाएगा, सरकार के तो विवाद चलते रहेंगे, सरकार ही विवादित है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। एक और ऑफिसर ने इस्तीफा दिया है, रिटायरमेंट मांगी है, उसको भी पता नहीं दी है कि नहीं दी, मुझे नहीं पता। एक IPS ऑफिसर ने रिटायर मांगी है, उन्होंने कहा मैं पिंजरे से आज़ाद हो गया हूँ। अब वो पिंजरे से कितने आज़ाद हुए हैं मुझे नहीं पता, उनको भी ऐसे नोटिस निकलते रहेंगे कि आप पे कार्रवाई करेंगे। सो ये तो चलता रहेगा, ऐसी सरकार है वैसे काम चल रहे हैं। कल मैम CM का रोड शो भी हुआ है बठिंडा में, तो कोई ऐसा तो नहीं है उसके बाद उनको ऐसा लगा हो कि परेशानी में है आप इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? मैंने तो उनका रोड शो ना देखा है ना मुझे देखने की जरूरत है। कानों में उन्होंने लोगों को फूल दिए थे कि जब मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मेरे ऊपर आप लोग फूल फेंकना, वो लोगों ने फेंके या नहीं फेंके मुझे नहीं पता, वो आप कहीं से पूछ। एक मैम बताइए सरदूलगढ़ में आए थे CM, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट की बात नहीं की सेंटर से लाने के लिए, सिर्फ सुखबीर बार बार उसके रिपीट कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है भी एक CM को जो पंजाब के बजट लेना था अभी पंजाब के लिए मैं इंडस्ट्री लेके और वो नहीं बोला, लेकिन उसे चुटकुले बताते रहे, इसको आप कैसे ले रहे हैं? देखो चुटकुले आपने सुने होंगे तो चुटकुले उन्होंने बनाए होंगे, प्रोजेक्ट तो उनको ना पता है कैसे लाना है कैसे बनाना है, चुटकुले उनका पुराना पेशा है वो सुनाते रहे होंगे, मैंने तो नहीं सुने। खैर।